हेलो गाइस, मैं मंजीत और आप देख रहे क्रेजी एमएस। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, हम लोग जानने वाले हैं कि टॉप 5 2021 में 30,000 के अंदर कौन सा बेस्ट लैपटॉप्स है। हम आपको टॉप 5 लैपटॉप्स बताएंगे, वो भी इतने अच्छे लैपटॉप्स की मतलब कि आपका मन खुश हो जाएगा। फिफ्थ नंबर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नंबर पे एंड करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त वेदर हो रखा है, तो इसलिए हम आज बाहर शूटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो नीचे जो लाइक का बटन है वो जोर से दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। It's all about humanity. तो गाइस, यहाँ पर 30,000 के रेंज में जो सबसे बेस्ट लैपटॉप हमको लगा वो है सबसे फोर्थ नंबर पे, जो कि समझ सकते हैं एवरेज। उसका पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, ये है लेनोवो ब्रांड की तरफ से एक बहुत ही अच्छा वाला बेकार लैपटॉप। इसका जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंच का, फुल एचडी नहीं है, एचडी है, एचडी डिस्प्ले। इसका प्रोसेसर है एएमडी का 3050U का, आपको प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है। फिर आपको रैम यहाँ पर मिलेगा 4GB का रैम। उसके बाद फिर आपको स्टोरेज मिल जाता है 1TB का HDD, मतलब 1TB का हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर आपको SSD नहीं देखने को मिलता। और मेन पर्पस इस लैपटॉप को खरीदने का क्या होता है कि आप इसको फ्यूचर में कभी भी SSD में अपग्रेड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है कुछ SSD आप इसमें लगवा देंगे तो ये कुछ फास्ट चल सकता है। उसका बैटरी बैकअप का बात करें तो ये आपको बैटरी बैकअप दे देगा, पूरा 6 आवर्स का प्री इंस्टॉल आपको मिलता है विंडोज 10 का होम वर्जन। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ। और दूसरा लैपटॉप है हमारा एसर का अंडर 30,000। और फ्रेंड्स, ये एसर का जो लैपटॉप है आपको मिल जाता है 15 इंच के डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको प्रोसेसर राइजन का 3250U का प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें रैम है 4GB का प्री इंस्टॉल। फिर आपको स्टोरेज मिल जाएगा 1TB का HDD। और इसका जो मेन पर्पस है ख़रीदने का, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका मेन पर्पस हो सकता है हमारा जो इसका जो HDD है, मतलब कि इसका जो रैम है 4GB, अगर आप इसको फ्यूचर में कभी अपग्रेड करना चाहते हैं न्यू विंडोज़ का अपडेट से, तो अपग्रेड करना चाहते हैं, आपका 16GB तक पूरा अपग्रेड हो जाएगा विथ नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसका जो बैटरी बैकअप का बात करें तो इसका बैटरी बैकअप है 7 आवर्स का। इसमें प्री इंस्टॉल आपको विंडोज 10 का सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते अपने तीसरे लैपटॉप की तरफ, जो कि है HP का HP 15। ये भी आपको अंडर 30,000 मिल जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसका डिस्प्ले है, ये है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले। फिर आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है इंटेल का 6405U का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। फिर इसमें रैम आपको मिल जाएगा 4GB का। और यही बात करें स्टोरेज का, तो इसमें 1TB का HDD मिल जाता है। और अगर कभी आपको फ्यूचर में इसको SSD में कन्वर्ट करना है HDD को, तो ये SSD में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसका बैटरी बैकअप का बात करें तो इसका बैटरी बैकअप है 7 आवर्स। 7 आवर्स कम नहीं है, एक सिंगल चार्ज पर 7 आवर्स चलेगा। प्री इंस्टॉल आपको मिलता है विंडोज 10। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड लैपटॉप की तरफ। सेकेंड लैपटॉप है आपको डेल के कंपनी से आता है, डेल के तरफ से। ये 30,000 के अंदर का लैपटॉप, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है, क्योंकि ये हमने इसको सेकेंड नंबर पर रखा है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में मतलब कि क्रेज़ भी है इसका। फिर इसका डिस्प्ले को थोड़ा छोटा मिल जाता है बाकी के कंपेरिजन में। इसमें आपको मिलता है 14 इंच का, यहाँ पर तो हमको नहीं लगता है HD होगा, HD हो भी सकता है, जो भी है 14 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, HD/Full HD जो भी समझ लीजिए। आपको आपको प्रोसेसर मिल जाएगा AMD का 3050U का प्रोसेसर। यहाँ पर आपको रैम मिलेगा 4GB। और स्टोरेज जो है, यहाँ पर एक बात अच्छा है इसको लेने का, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो आपको रोम है ना, वो मतलब स्टोरेज SSD में मिलेगा। SSD आप जैसा ही जानते हैं लेटेस्ट लॉन्च हुआ, और ये जो है बहुत ही स्पीड में चलता है। और फ्रेंड्स, इसका जो स्टोरेज है ये आपको मिल जाता है 256GB का SSD होता है,
256 GB का SSD। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, और अगर कभी फ्यूचर में आपको इसमें HDD को भी ऐड करना है SSD के साथ पार्टीशन करवा के, तो वो आप कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा स्पीड में काम करें। बैटरी बैकअप का बात करते हैं, इसमें 6 आवर्स आपको मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड आपको विंडोज़ 10 प्लस इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहला नंबर पे एसस का लैपटॉप है अंडर 30,000, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और मेरे पास अगर इसका लिंक है तो हम आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो इसका डिस्प्ले का बात करें या कुछ स्पेसिफिकेशंस का, तो ये जो है ना लैपटॉप एसस का, ये आपको जो है 30,000 के अंदर का इतना बेस्ट लैपटॉप है कि हम क्या बताएं। अगर आपको लेना है तो आप इसको आईज क्लोज करके ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लैपटॉप है इसमें आपको बोल सकते हैं पूरा पैसा वसूल है। इसमें जो डिस्प्ले है 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि एक लैपटॉप के लिए काफ़ी होना चाहिए। एक प्रोसेसर आपको मिलता है इंटेल का N4020 का प्रोसेसर। अगर आपको नहीं पता तो आप एक पेज देख सकते हैं, आप ये इंटेल का जो प्रोसेसर है ना N4020, इसका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको रैम देखने को मिल जाता है 4GB का, और स्टोरेज आपको मिल जाएगा 256GB का SSD मिल रहा है भाई, ले लो। और जो SSD है जैसा आप जानते हैं बहुत अच्छे, और इन फ्यूचर अगर आपको इसका जो HDD का पार्टीशन कराना है वो भी आप करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिल जाता है बाकी कंपेरिजन में, ये है 5 आवर्स का, और प्री इंस्टॉल आपको यहाँ पे विंडोज 10 का सपोर्ट मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये था कुछ टॉप फाइव ऐसे लैपटॉप जो कि आपको 30,000 के रेंज में मिल सकते हैं, वो भी बड़े ही आराम से। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।